हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग आ गए हैं अब भेट द्वारिका। ये पूरा भेट द्वारिका है, तो आज हम भेट द्वारिका जा रहे हैं। ये जो भेट द्वारिका है वो समुन्द्र के बीच में बना हुआ द्वीप है, एक आइलैंड है छोटा सा, उसी के ऊपर कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है। वहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण जी के जो दोस्त थे सुदामा, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आए हुए थे, इसलिए उस जगह का नाम भेट द्वारिका रखा गया है। तो यहाँ से उसका एंट्रेंस है, अब हम अंदर जा चुके हैं। यहाँ पे टिकट लगती है बोट में बैठने के लिए। अगर आप पर्सनल बोट करेंगे तो 5,000 रुपीज़ लगता है, और जो गवर्नमेंट की बोट चलती है नॉर्मल में जाएंगे, जिसमें बहुत सारे को लेके जाते हैं, तो 20 रुपये की टिकट लगती है। तो वो बोट में ही पैसे देने होते हैं, 20 पर पर्सन 20 रुपये लगता है। तो आप उसी में जाए तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, 5 मिनट लगता है बोट से जाने में। तो और उसमें काफ़ी बड़ी बोट होती है और काफ़ी सारे लोग, कम से कम 100 से 150 लोग बैठते हैं उसके अंदर, और फिर वो बोट लेके जाता है। तो हम लोग देखिए, यहाँ पे बहुत सारी बोट है, काफ़ी सारी बोट्स हैं। तो हम लोग भी अब उस बोट में जा रहे हैं बैठने के लिए। अच्छा बनाया है जाने के लिए रास्ता, और आराम से आप लोग जा सकते हैं। बस हम लोग गए थे, थोड़ी भीड़ थी, और हम लोग अब बोट में बैठ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे आइलैंड पे, जो भेट द्वारिका जिसका नाम है। और अभी एक ब्रिज भी बन रहा है, जो सामने देख सकते हैं वो ब्रिज बन रहा है। जब बन जाएगा तो वहाँ से गाड़ियाँ भी जा सकती है, लेकिन अभी वो पूरा ब्रिज बना नहीं है, काम चल रहा है उसका। और शिवी भी बैठी है, समंदर देख रही है, उसको भी अच्छा लग रहा है। और देखिए काफ़ी सारी फिर से लाइन लग गई बोट में बैठने के लिए, और हम लोग अब निकल पड़े हैं। काफ़ी गर्मी थी, बहुत ही गर्मी थी, लेकिन समंदर के अंदर बोट में बैठे थे तो ठीक लग रहा था, हवा चल रही थी। तो आप लोग को भी जाना है तो ज़रूर जाइए, लेकिन समर के टाइम में मैं तो कहूँगी अवॉइड ही करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर भी। किसी और सीज़न में जाएंगे, जैसे थोड़ी ठंडी पड़ रही है अक्टूबर नवंबर या जनवरी में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अप्रैल मई जून में तो ना ही जाइए, क्योंकि हालत ख़राब गर्मी होती है इसके लिए। तो देखिए अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे भेट द्वारिका। यहाँ हमने थोड़े दाने भी ले लिए ममरे, थोड़े पंछियों को डालने के लिए, पर कोई पंछी तो आया नहीं वहाँ पर, तो मछलियाँ खा गई होंगी। तो शिवी भी बड़ा इन्जॉय कर रही थी, अच्छा लग रहा था उसको बोट में बैठ के, सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। आप लोग भी देख के तब तक इन्जॉय करिए, और थोड़ी देर में हम लोग पहुँच जाएंगे भेट द्वारिका। आप लोग देख सकते हैं बोट में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी बड़ी बोट है और काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। वो जो सामने दिख रहा था थोड़ा आइलैंड जैसा, हमको वहीं पर ही जाना है, तो वहाँ अब हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। पहुँच ही गए हैं भेट द्वारिका, और वहाँ किनारे पे हमने जब दाने डाले तो खूब सारी रंग बिरंगी मछलियाँ निकली है। देख सकते हैं कितनी सारी फिशिश है वहाँ पे, दाने डालने से काफ़ी सारी फिश एकदम से आ जाती है, बहुत सारी सुंदर सुंदर। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं समंदर के इस पार, मतलब जो बीच में आइलैंड बना हुआ है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ा टाइम से पहले ही पहुँच गए, मंदिर का टाइम है 5 बजे खुलने का, तो हम लोग थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए। तो हम लोग थोड़ा मार्केट घूम रहे हैं, आप लोग भी तब तक मार्केट के मज़े लीजिए, देखिए यहाँ के मार्केट कैसे हैं। तो हमने सोचा चलो शंख खरीद लेते हैं, तो हम शंख देख रहे थे।
और यहाँ पे काफ़ी सारी समुद्री चीज़ें मिलती है, सिप्पी और भी काफ़ी सारे शंख हो गए, सिप्पी हो गए, जो चाहिए आप ले सकते हैं। काफ़ी सारे शंख है जो 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 1200-1500 तक भी जाते हैं। अब हम आगे बढ़ गए हैं जाने के लिए, मंदिर खुल गया है इसलिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सामान बिकते हैं, तो आपको जो चाहिए आप खरीद के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पर भी थोड़ा आगे तक चल के जाएंगे और फिर थोड़ी देर में टेंपल के पास पहुँच जाएंगे। ये हम लोग पहुँच गए टेंपल के पास, पर यहाँ पर भी फ़ोन अलाउड नहीं था इसलिए मैं टेंपल का वीडियो नहीं बना सकी बस। लेकिन यहीं पर टेंपल का स्टार्टिंग हो जाता है देखने के लिए, पर यहाँ यही है हर जगह। अब टेंपल के दर्शन करने के बाद हम लोग अब वापस जा रहे हैं बोट में बैठ के। वापस जाने के लिए भी आपको 20 रुपये लगेगा, 20 रुपये का टिकट है और 20 रुपये दे के आप वापस पहुँच सकते हैं। तो हम लोग वापस अब दर्शन करके अब वापस जा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, ये हम लोग आ गए हैं रुक्मणी टेंपल। यहाँ रुक्मणी माता का मंदिर है तो वहीं पर हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। अभी ये इतना डेकोरेशन और ये सब इसलिए है क्योंकि जिस दिन हम पहुँचे थे उसके नेक्स्ट डे मतलब कल कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी की शादी हुई थी, इसलिए हर जगह पर बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन और सब कुछ ना कुछ फंक्शन चल ही रहे थे। इस मंदिर में हम लोग गए थे, यहाँ पर भी तब आरती हो रही थी जब हम लोग पहुँचे। इस टेंपल में भी अलाउड नहीं था फ़ोन ले जाना, लेकिन तो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है। आप लोग इस मंदिर में जो रुक्मणी माता है उसके दर्शन कर सकते हैं, तो तब तक आप दर्शन करिए। ये दूसरा दिन आ चुका है, हम लोग सुबह सुबह काफ़ी मॉर्निंग में ये पूरा बारात निकल रहा था क्योंकि आज के दिन ही कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी की शादी हुई थी, इसके लिए काफ़ी सारे लोग गाना बजाते हुए जा रहे थे। तो आज टेंपल में भी काफ़ी अच्छा फंक्शन होने वाला था, तो आप लोग देखिए कैसे सब जा रहे गाना बजा रहा है। हम लोगों ने टेंपल के दर्शन कर लिए, पर वहाँ पर भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था इसलिए मैं वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पर काफ़ी अच्छा फंक्शन हुआ था वहाँ पे, मेरे ख्याल से 50-60 किलो पूरा फूलों का बरसात हुआ था क्योंकि आज के दिन की शादी हुई थी तो काफ़ी फूलों की बरसात हो रही थी और अच्छा लग रहा था और काफ़ी भीड़ भी थी। और ये वहाँ का पास का ही मार्केट है, तो ये दिन का नज़ारा है पूरा मार्केट का, आप देख सकते हैं मार्केट में क्या क्या बिक रहा है। और जो आप सामने देख रहे हैं ब्रिज है, ये जो ब्रिज है इसका नाम है सुदामा सेतु, ये भी समुद्र के ऊपर बना हुआ है। और इस ये ब्रिज एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनाई हुई है, वहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो इस ब्रिज पे हम लोग आए हैं और यहाँ से फिर जो आप वहाँ सब देख सकते हैं वहाँ पूरा रेत है और वहाँ पर घूम सकते हैं और बीच के किनारे भी जा सकते हैं, ये पूरा बीच के किनारे हैं। ये जो टेंपल है द्वारकाधीश टेंपल, उसके जस्ट पीछे में ही है पूरा समंदर, तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। और हम लोग आगे भी गए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे राइड्स हैं जैसे कैमल राइड है, तो हम लोग कैमल राइड पे बैठे थे। और इसमें और भी काफ़ी सारे हैं, बाइक राइड है और गाड़ी में भी बिठा के घुमाता है, तो हम लोग कैमल पर बैठे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था, बच्चे लोग को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो आप भी देखिए और इन्जॉय करिए, ये पूरा जो राइड है वो समंदर के किनारे बीच तक लेके जाता है, वहाँ पे ले जाके और वापस लेकर आता है, तो आप लोग भी इंजॉय करिए ये राइड को। यहाँ
यहाँ से आपको वो जो दिख रहा है टेम्पल, वही था द्वारकाधीश टेम्पल जो पीछे से दिख रहा था। और ये हम लोग बीच की तरफ पहुँच गए हैं और यहाँ काफ़ी सारे पत्थरों से सब लोगों ने नक्काशी की है, मतलब पत्थर के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। और ये बीच आ गया, ये बीच बहुत ही सुंदर बीच है और यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं थी क्योंकि गर्मी भी थी इस वजह से भी, और तो भी शांत था तो अच्छा था। ये बीच काफ़ी सुंदर भी था और अच्छा था। ये राइड के बाद हमने बाइक राइड भी कर ली, उसमें भी काफ़ी मज़ा आया, वो भी बीच के हाफ तक लेके जाता है और इसमें भी काफ़ी मज़ा आ रहा था हम लोगों को। अब यहाँ से हम लोग एक और टेम्पल जा रहे हैं, वो भी बीच के किनारे ही है, समुंदर का जो किनारा है वहीं पर ये टेम्पल बना हुआ है। यहाँ पे शिव जी का एक टेम्पल है, इस जगह का नाम है भटकेश्वर महादेव। भटकेश्वर महादेव का ये टेम्पल है, वो भी अभी आपको जाना है तो जा सकते क्योंकि वहाँ पे अभी काम चालू है, अभी बन ही रहा है, अभी पूरी तरह से बना हुआ नहीं है तो अभी बन रहा है, आपको दर्शन करने तो कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी सारे शंख वगैरह सब मिल रहे हैं और वो भी बीच के किनारे है, वो टेम्पल से द्वारकाधीश टेम्पल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है तो आप चाहे तो जाकर घूम कर आ सकते हैं वहाँ पर भी। आप लोग दर्शन कर लीजिए भटकेश्वर महादेव का, और ये भी समुंदर के किनारे पूरा बनाया हुआ है, अभी काम देख सकते हैं चल ही रहा है, अभी इसको बहुत अच्छा बना रहे हैं ताकि लोग यहाँ पर भी आए घूमने के लिए। फिर यहाँ से हम लोग वापस उसी बीच पर गए थे जो था, तब बहुत धूप थी इसलिए हमने सोचा थोड़ा शाम में जाएंगे, तो हम लोग उसी बीच पर वापस आ गए जिस बीच पर पहले गए हुए थे, सुदामा सेतु, वहाँ पे फिर से आ गए और हम अब दूसरी राइड पे बैठे हुए हैं। ये भी पूरा बीच, ये वाले गाड़ी में अगर बैठेंगे तो ये आपको बीच तक ले जाता है और वहाँ पे आपको जितने देर तक रुकना है आप रुक कर फिर से वापस इस गाड़ी में बैठकर आ सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, सब लोग को देख सकते हैं काफ़ी बच्चे लोग सब इंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ जो जो भी हैं सब इंजॉय कर रहे हैं। और ये अभी शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छा व्यू है, यहाँ पर भी आप देखिए खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। तब तक काफ़ी देर बीच पर रहने के बाद अब शाम हो गई है तो हम वहाँ के मार्केट, वहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ पे हैं, बीच से निकल के देख सकते हैं सुदामा सेतु। यहाँ पर भी अंदर जाने के लिए 20 रुपये की टिकट लगती है, 20 रुपये या 10 रुपये की टिकट है। और अब आप लोग यहाँ के मार्केट का मज़ा लीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो अब कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आप तब तक इस मार्केट का मज़ा लीजिए, देखिए यहाँ का मार्केट कैसा है।
यहाँ से अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं और हमको नेक्स्ट डे दूसरे सिटी के लिए निकलना था, इसके लिए अब हम होटल की तरफ जा रहे हैं। ये रहा हमारा होटल, सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, मंदिर ब्रिज सारे, और होटल में हम लोग पहुँच गए। अब हम दूसरी जगह जाने के लिए तैयार होंगे, इसलिए अब हम लोग पहुँच गए। चलिए बाय, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।